नमस्कार, आपण पाहत आहोत सी न्यूज दैनिक प्रतिदिन वार्ता। सहारा मित्र मंडळ उदगीर यांचा मुस्लिम आरक्षणला जाहीर पाठिंबा। गेल्या अनेक वर्षापासून दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे, यामुळे देशाची आणि राज्याची प्रतिमा मलिन होत आहे। सबका साथ सबका विकास या ब्रीद वाक्याने केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले होते, परंतु सबका साथ मिळून ही बाकी सगळं भकास झालेलं आहे। देशाच्या जडणघडणासाठी जो समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिकदृष्ट्या मागास किलेल्या असल्याने या समाजाला मुख्य प्रवाहन आणण्यासाठी त्याला शिक्षणाची, आरक्षणाची आणि संरक्षणाची नितांत गरज आहे। म्हणून दिनांक 18 सप्टेंबर 2023 रोजी उदगीर शहरात मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळण्याकरिता निवृत्ती सांगवे साहेब यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे। या आंदोलनाला सहारा मित्र मंडळच्या जाहीर पाठिंबा आमिर हाशमी यांनी दिले। यावेळी उपस्थित आंदोलनात बसलेले नेता गण व सहारा मित्र मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष सय्यद इम्रान साहब व मजित राजा पटेल लायक पाशा तांबोळी होते। सी न्यूज दैनिक प्रतिदिन वार्ता, उदगीर प्रतिनिधी मजित पटेल। उदगीर शहर के अंदर पैंथर नेते माननीय निवर्ती भैया सांगवे साहब की ओर से मुस्लिम आरक्षण के लिए धरने आंदोलन रखा गया है और ये कायम आगे भी चलने वाला है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार आज जो तीन पहिए की सरकार है, माननीय एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस साहब और अजीतदादा पवार साहब डिप्टी सीएम, मैं इन लोगों से विनंती करता हूं कि जो आप लोग सभी के लिए सबको एक समान समझकर सबका साथ और सबका विकास, इस बात को आप बोलकर जो मतदान लिए थे सभी लोग इसके अंदर शामिल हैं। सब समाज के लिए आप गौर फिक्र करने वाली एक कमेटी बनाए इसके अंदर, जिसके अंदर जैसा कि जरांगे पाटिल साहब मराठा आरक्षण के लिए जो सवाल उठाए हैं, इनके भी लिए विचार करते हुए जो आने वाले बरसों से मुस्लिम समाज हमारा जो पीछे रह गया है, और शिक्षण के अंदर हो, औद्योगिक केंद्र के अंदर हो या दीगर मसलों के अंदर समाज दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत खस्ता हालत हो रही है। मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, ये सहारा मित्र मंडल की तरफ से मांग है और ये आंदोलन के अंदर सहारा मित्र मंडल का जाहिर पाठिंबा है माननीय निवर्ती सांगवे साहब को। और जब तक